ये क्षेत्र के ऑलरेडी है इंडस्ट्री वहाँ पर और उसको ये घोषित कर दिया है टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप ये घोषित है। किसका? 450 हेक्टेयर और इसमें जो जो कुछ भी वहाँ इंडस्ट्री आएंगी इससे 10 से लेकर 15,000 तक लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश टाइम बाउंड क्लियरेंस एक्ट 2020 ये बना है कि जो भी परमिशंस कोई भी इंडस्ट्री या उद्योग लगाता है तो उसमें टाइम बाउंड समय रहेगा। उसमें इसमें समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 आवेदकों की प्रक्रिया के लिए समय सीमा में निराकरण के दृष्टिगत से मध्य प्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 द मध्य प्रदेश टाइम बाउंड क्लियरेंस एक्ट 2020 ये इसको पास कर दिया है कैबिनेट ने और इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि आवंटन ही सब ऑनलाइन होगा। भूमि आवंटन, विद्युत कनेक्शन, फैक्ट्री लाइसेंस, भवन अनुज्ञा, बायलर स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण ये सभी अनुमतियाँ, स्वीकृतियाँ, सम्मतियाँ निश्चित समय अवधि में प्राप्त हो सकेंगी। और यदि यदि हाँ पोर्टल इसका नाम है, पोर्टल के माध्यम से होगा ये। और यदि समय अवधि में आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है तो डीम्ड अनुमति माना जाएगा और स्वतः ये अनुमतियाँ हो जाएंगी। जिस स्तर से लापरवाही प्रमाणित होगी उस पर कार्रवाई के प्रावधान रखे गए। निवेशकों की अनुमतियाँ, स्वीकृतियाँ, सम्मतियाँ तथा संबंधी प्रस्ताव इन्वेस्ट पोर्टल से नाम रहेगा, इन्वेस्ट पोर्टल पर प्राप्त किया जा सकेंगे और पोर्टल के माध्यम से सभी सुविधाओं की समीक्षा की जाकर संबंधित पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा में अनुमतियाँ, सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्तमान में प्रथम चरण में 10 सेवाओं की 32 सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य शासन किसी भी अन्य सेवा को इसमें और जोड़ सकता है। तो इससे मैं समझता हूँ कि टाइम बाउंड अनुमतियाँ देना पड़ेंगी और जो नहीं दे पाएंगे उनके खिलाफ़ भी एक्शन होगा। ये बड़ा मामला है।